शिव महापुराण की कथा चल रही है। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, कल कथा विराम की ओर रहेगी। आप सबसे निवेदन है, आप सब अपने घर में रहकर शिव महापुराण की कथा सुने। रायपुर की पावन धारा पर जो कथा चल रही है, जिस ग्राउंड में हो रही है, विशाल ग्राउंड है और जहां कथा हो रही है उसके आसपास में बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे हैं, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ना तो यहां पर बैठने की कहीं पर जगह मिल पा रही है और ना कहीं खड़े रहने की जगह मिल पा रही है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपने घर में रहकर आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक ग्रुप के माध्यम से कथा को श्रवण करें। आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, यहाँ भीड़ अपार हो चुकी है, इसलिए आप लोग अपने घर में रहकर भगवान शंकर की इस पावन कथा को श्रवण करें। आप सभी से निवेदन है, आगामी कार्यक्रम में जैसे कानपुर में कथा है आप जरूर वहां पधारे, मना नहीं, पर यहाँ का जो ग्राउंड की कैपेसिटी है, रोडों की कैपेसिटी है, यहाँ के मार्केट की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार पूरा फुल है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है। प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रहा है, आनंद से समान रहा है और भी पुलिस फोर्स भी 1000 की संख्या में और ज्यादा बढ़ गई है संभालने के लिए, पर आप लोग अपने घर से इस कथा को श्रवण करें। श्री शिवाय, नमस्ते।